स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड वीडियो है आपका सिविक्स चैप्टर 23 क्लास 6 वेटस्टोन पब्लिकेशंस बुक। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम तो हम पढ़ रहे थे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स के बारे में। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, ठीक है। इसका लास्ट पैरा बच गया था इस पेज का, दिस इज पेज नंबर 156। तो हम ये देख लेते हैं क्या है इसमें। We feel comfortable among people who are like us and it find it difficult to accept people who are different. तो हम ऐसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा ओके। तो हम ये देखते हैं बेटा, जैसे कि आपने भी नॉर्मली देखा होगा, आप ऐसे फ्रेंड्स आपको अच्छे लगेंगे जो आपकी, जिनसे आपके थॉट्स मिलते हों, विचार मिलते हों, या तो फिर आप अपने कज़न्स, अपने आसपास के लोगों के साथ जिन आप रहना पसंद करेंगे, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज समझ सकें, जो आपकी भाषा समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंस, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। सिंस वी हैव बीन ब्रॉट अप ऑन अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वी फॉलो अ सेट ऑफ पैटर्न बिहेवियर एब्जॉर्ब्ड बाय अस, वी जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेट पैटर्न। होता ये है बेटा कि हमें जो परवरिश दी जाती है, हमें जो हमारे पेरेंट्स नरिशमेंट देते हैं बचपन से, वो एक सेट ऑफ एक बिलीफ के साथ देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये समझाया जाता है कि कोई आपके घर में आ रहा है तो ही इज़ अ गेस्ट, आपको उसके सामने डिफरेंट बिहेव करना है, ठीक है। फिर कोई आपके सामने आ रहा है घर पर तो आपको उसको ग्रीट करना है, उसे चीज़ों के लिए पूछना है, उसे सर्व करना है। तो इन्हीं सारे सेट ऑफ पैटर्न के साथ हम क्या करते हैं, हम दूसरे को जज करते हैं। जैसे कि अब जब हम किसी के घर जाते हैं, उसने हमें ग्रीट नहीं किया, उसने हमें अच्छे से विश नहीं किया, उसने हमें पूछा नहीं, तो हम उस चीज़ पर खुद को और उस व्यक्ति को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। The effect of stereotypes can have a lasting and damaging impact as they prevent us from appreciating the unique qualities of an individual. तो अब स्टीरियोटाइप में क्या होता है बेटा, आपने किसी को जज तो कर लिया कि उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, उसने वेस्टर्न ड्रेस पहना है, तो उसे क्या होगी रिलीजन की जानकारी, है ना, उसे क्या होगी कस्टम्स की, रीति रिवाजों की जानकारी, या उसे क्या पता होगा कि हमारे रीति रिवाज क्या होते हैं। तो भले उसे ना पता हो, लेकिन उसके अंदर की कोई और क्वालिटी जो होगी जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने स्टीरियोटाइप की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे जो है सोसाइटी में प्रेवलेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। द जनरलाइजेशन गेट्स एग्जैगरेटेड एंड वी बिगिन टू लुक फॉर अ ग्रुप एंड इट्स पीपल विद सिमिलर क्वालिटीज़। स्टीरियोटाइपिंग लेट्स टू प्रेजुडाइसिस। तो जो जनरलाइजेशन होता है हमारा, मतलब जनरली हम जब लोगों को समझते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें ओवर स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप जब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ के लिए आप फोकस्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको ओवर स्ट्रेस देती हैं, ठीक है। फिर आप ऐसे लोगों की तरफ देखने लगते हैं। वी बिगिन टू लुक फॉर अ ग्रुप एंड इट्स पीपल विथ सिमिलर क्वालिटीज़। ओके, आफ्टर दैट वी वुड लाइक टू लुक फॉर द पीपल फॉर द विद द सिमिलर क्वालिटीज़। ओके, जैसे कि आप फिर ये सोचने लगते हैं कि नहीं, इस तरह के लोग तो ऐसे ही होते हैं, नो We don't like these type of peoples. आप किसी particular area के लिए वैसे सोच बना लेते हैं कि अरे इस area से आने वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, these are very disastrous, dangerous. Okay? So stereotype leads to prejudices. फिर finally जो stereotype भी है वो भेदभाव, पक्षपात पर आकर के ही ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी, संविधान, भारतीय संविधान। सो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश चेंज द माइंडसेट्स ऑफ द पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो एक बहुत लंबी लड़ाई थी बेटा अंग्रेज़ों से आज़ादी की, इस आज़ादी की लड़ाई के बाद कई सारे लोगों के माइंडसेट चेंज हुए, उनकी सोच बदली काफ़ी हद तक, ठीक है। इट वॉज़ अ यूनाइटेड स्ट्रगल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर फ्रीडम। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई बेटा, तो सब ने एकजुट होकर के, साथ में खड़े होकर के वो लड़ाई लड़ी। कोई उस लड़ाई में कोई ऊंच नीच, जातिवादी, धर्मवादी, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था।
People learned the real meaning of freedom and fought not only against the British, but also aimed to establish a country which saw its citizen as equal. जब लड़ाई लड़ी गई और जब हमें आज़ादी मिली तब हमने लड़ाई एकजुट होकर के लड़ी. ओके, हमने साथ खड़े होकर के लड़ा. लड़ाई लड़ते समय हमने एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया और फाइनली हमने हमारे देश को एक ऐसी कंट्री के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया जहाँ के सारे नागरिक क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं. ठीक है. द लोअर कास्ट वुमेन, फार्मर, ट्राइबल्स एंड ऑल दोज हु हैड फेस्ड इनइक्वालिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम वर टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड इक्वालिटी वॉज ग्रांटेड टू देम. लो कास्ट के लोग हों, चाहे वुमेन्स हों, किसान हों, जनजाति के लोग हों, आदिवासी हों, जिन्होंने एक समय पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, भेदभाव हुआ है उनके साथ, ऊंच नीच हुई है उनके साथ, उनको, ऐसे लोगों को फाइनली कंसिडरेशन, ऐसे लोगों को साथ में लाया गया और उन्हें फिर एक बराबरी, समानता का उन्हें एक अधिकार भी दिया गया. ठीक है. तो सभी को पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था. मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी प्रेवलेंट इन आवर कंट्री एंड रियलाइज्ड दैट दे हैड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ये जानते थे कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, विविधता है, इसीलिए वो जानते थे कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे देश में कभी भी, जो हमारे समाज में है, भेदभाव ना हो, किसी के भी साथ गलत ना हो. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स पर्टिकुलरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु हैड हिमसेल्फ फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन हिज ओन लाइफ एक्सेप्टेड द डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड सॉट टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन इन फ्री इंडिया. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर, उन्होंने खुद, वो खुद लो कास्ट के थे तो वो जानते थे कि कितना स्ट्रगल होता है लोगों की लाइफ में हम, और इसीलिए उन्होंने समझा कि हमारा देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, इन सब के बीच में ही हमें रहना पड़ेगा. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबको समान अधिकार मिले, सबको बराबरी का अवसर मिले, फ्री इंडिया में किसी भी तरह का एटलीस्ट कास्टिज्म बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया. सो इट इज़ स्टेटेड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इंडिया इज़ अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो साफ साफ हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, सोवेरियन कंट्री है, संप्रभुता जिसकी कोई नहीं ख़त्म कर सकता, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. ठीक है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है. ठीक है. सो इंडिया अडॉप्टेड अ सेक्युलर सिस्टम एंड पीपल वर अलाउड टू फॉलो देयर कस्टम्स, प्रैक्टिस देयर रिलीजन, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स इन एनी वे दे डीम्ड. तो इसी वजह से देश को एक सेक्युलर देश घोषित किया गया जहाँ पर हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, अपने रीति रिवाज फॉलो कर सकता है, अपने फेस्टिवल्स अपने तरह से मना सकता है जैसे भी वो सोचता है. ठीक है. इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. हमारे देश में कोई भी, हमारे देश का स्टेट जो है, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट रिलीजन नहीं है. मतलब हर स्टेट में भी आपको जो है अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. फिर इसके अलावा हमारे लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी सरकार खुद चुने. ठीक है. However, giving people the power to choose their representatives is not enough. लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपने लोगों को अधिकार दे दिया कि जाइए भाई अपना आप नेता खुद चुनिए. ये भी इम्पॉर्टेंट है. Important that people should have attitude and beliefs that conform to democracy. If people are tolerant in their dealings with others, then they understand equality, which is the most important facet of democracy. सिर्फ अधिकार देना काफ़ी नहीं होता बेटा, लोगों के अंदर ये भावना भी होनी चाहिए कि हम अपना नेता खुद चुने, उसके लिए हम जागरूक बने. ऐसा नहीं है कि हमने, किसी ने हमें बोल दिया कि हाँ भाई ये कर लो अच्छा है तो हमने कर लिया. नहीं, हमें अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है तो हमें हमारे अधिकार, हमारी ड्यूटीज़, दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारी एक जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, उसकी प्रोग्रेस हो पाएगी. क्लियर एवरीवन? सो हियर वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो
थर्ड वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आपका एंड होगा चैप्टर का. क्लियर? थैंक यू सो मच.